मेरा अगला सवाल सपा की ही रणनीति को लेकर था, और चूंकि आपने उत्तर प्रदेश का एक राउंड का दौरा राहुल जी कर लिया है, तो राजदीप जी ने कहा कि सपा उसका इस्तेमाल कर रही है, सपा इसका और तमाम दूसरे मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है, इंटरनेट पर लगातार चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव की रैली में किस तरह की भीड़ आ रही है, विजय यात्रा में एक काउंटर भी आ रहा है कि ये भीड़ जो है ये जिले की हर सीट पर जो चार चार छह छह गंभीर टिकटार्थी हैं उनके द्वारा जुटाई जा रही है, और इस तरह की भीड़ 17 में भी आ रही थी, 19 में भी आ रही थी, तो सब तरह की बातें हो रही हैं, और इस सब के बीच शिवपाल यादव से उनकी मुलाकात भी होती है। आज मैंने शिवपाल यादव को फोन किया, हमने सोचा कि पूछ ले नेता नगरी के शूट से पहले कि जो ट्वीट में और फोटो में नहीं आ पाया वो क्या है। तो शिवपाल यादव तो मजे हुए नेता हैं, बोले आप आइए आमने सामने बैठकर बात होगी, उनसे भी बात अभी चल ही रही है। तो मुझे हिमांशु जी और राजदीप जी ने बताया कि सपा के खेमे की सबसे गूढ़ खबरें राहुल जी से मिल सकती हैं, तो आप बताइए राहुल जी क्या चल रहा है सपा के अंदर। सर, मैं टेनी साहब के पॉइंट पे एक बात बताऊं कहूंगा जी पहले कि देखिए, जब कोई ऐसा मामला होता है टेनी साहब का रोल नहीं हो सकता है, लेकिन ये मामला उनके सुपुत्र को लेकर के है। वो गृह राज्य मंत्री हैं, जो आईपीएस ऑफिसर का कंट्रोलिंग कार्डर होता है वो होम मिनिस्ट्री होता है। दूसरा, होम मिनिस्ट्री के अंडर इंटर स्टेट रिलेशंस पूरे आते हैं। कहीं ना कहीं एक शैडो जरूर होती है एक गृह राज्य मंत्री की, और उसको देखते हुए ये मोरालिटी का प्रश्न नहीं है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अगर आप अंदर किसी का अगर रोल हो सकता है हस्तक्षेप का, उसको अमूमन सरकारें हटाने की कोशिश करती हैं, और कहीं ना कहीं तेनी साहब ऐसी एक पोजीशन में जरूर बैठे हैं, क्योंकि जो प्रोब हो रहा है वो आईपीएस अफसर और पुलिस ऑफिसर उसके अंदर इन्वॉल्व है। बहरहाल, समाजवादी पार्टी में जो अखिलेश यादव जी की जो बातचीत का बात है, देखिए एक बात में पहला मुद्दा जो तेनी साहब पे अचानक अब अखिलेश यादव थोड़े आगे बढ़े हैं। अगर आपको याद हो, जब ये मामला उठा हुआ था, वारदात हुई थी, उस समय पे अखिलेश यादव नहीं, प्रियंका गांधी सबसे पहले पहुंची थी, क्योंकि उस समय पे एक लालच ये था समाजवादी पार्टी में कि मामला है किसान जो कि सिख हैं, और सिख बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है उस इलाके में, तो वहां अपनी पहल दिखा करके आप कहीं जो कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मणों को रिझाने की, वो कहीं खराब ना हो जाए। उस समय समाजवादी पार्टी ने कौशन दिखाया। लेकिन अगर आप, अब मैं जो इस इलाके में घूम के आया हूं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और इधर के, उसमें एक बड़ी क्लियर चीज दिख रही है कि बीकेयू, लोकदल और समाजवादी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें किसान जुड़ सके, उसकी जात ना दिखे मगर किसान जुड़ सके, यानी मुसलमान भी किसान, जाट भी किसान, अगर आपका कश्या किसान या आपका बाकी जातियों का किसान, वो कास्ट आइडेंटिटी खत्म करके एक फार्मर आइडेंटिटी क्रिएट की जा सके, वो एक कोशिश हो रही है। उसमें अखिलेश यादव का अगर आप पोस्टर्स या उनकी बयानबाजी देखिए, तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इस एरिया में वो वोट काफी डोमिनेंट है। अगर आप अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी की बात करें, तो जो बातचीत है, ये बातचीत कुल कुछ फिलहाल कुछ दिनों पुरानी हो चुकी है। बातचीत एक्चुअली काफी समय से चल रही थी। परेशानी ये थी कि शिवपाल यादव चाहते थे कि मुझे सम्मान पूर्वक बुलाया जाए, एक। दूसरा, अखिलेश यादव को ये एक चिंता थी कि शिवपाल को अगर वापस बुलाते हैं तो अपने पिताजी से जो उन्होंने लेगेसी पूरी इनहेरिट की है उस लेगेसी को इनहेरिट करना पड़ेगा, एक। और सीट शेयरिंग के मामले में क्या शिवपाल सिंह यादव पार्टी मर्ज करेंगे दोबारा समाजवादी पार्टी में, अपनी आइडेंटिटी मर्ज करेंगे और उनके कैंडिडेट शिवपाल या अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, या वो चाहेंगे कि अपनी सीटें अलग लड़ें। उसमें समाजवादी पार्टी को डर ये था कि अगर जीत गए और सरकार समाजवादी बीजेपी की नजदीक हुई और वो उधर भाग गए तो उनको परेशानी थी। तो कुल मिलाकर के ईगो और इलेक्टोरल कॉम्बिनेशंस के काफी सवालात थे। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि मेरे पास बहुत बेहतरीन खबर यह है, ये भी है कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शिवपाल यादव जी ने लगभग तैयारी कर ही ली थी कि वो अपनी अलग दुकान सजा करके और गंभीर रूप से चुनाव लड़ेंगे, और उसमें उन्होंने एक बहुत खूबसूरत जो था एक अपना कैंपेन ट्रक भी बना लिया था, और उस कैंपेन ट्रक को लेकर के मेरे को जो पता लगा था कि करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर का वो ट्रक बना है, बहुत खूबसूरत, और उसकी मेरे पास कहीं फोटो है, अगर मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, तो
तो वो अपनी आप हमें भेज दीजिएगा, हम लगवा देंगे। जी जी वो हम तैयार भी थे, वो तैयार भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं बैकरूम चैनल्स में लोगों की बातचीत भी हुई है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये बात क्लियर हुई है कि वो वोट का डिवीजन नहीं चाहते हैं और उनकी तरफ से एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की गई है शिवपाल सिंह यादव को। अभी सीट शेयरिंग, कौन किसके टिकट पे लड़ेगा, क्या मर्जर होगा, किस तरह से पूरी निटिगिटीज जो है वो वर्कआउट अभी होनी बाकी है। शिवपाल यादव का इस बीच एक बयान ये भी आ गया है जिसमें उन्होंने पहला बयान दिया है कि अब चाहे कोई कुर्बानी देनी पड़े, जब फैसला ले लिया है तो सपा के साथ ही जाएंगे, गठबंधन हो गया है, गठबंधन हुआ है तो सीटें कम मिलेंगी। मैंने पहले ही कहा था अगर सपा ने 200 सीटों पर तैयारी कर ली होती तो बहुत पहले ये फैसला हो जाता, लेकिन 3 सालों में अभी सपा 100 सीटों पर भी तैयारी नहीं कर पाई। पर अब कुछ नहीं है, त्याग करना पड़ेगा तो त्याग भी करेंगे क्योंकि भाजपा की सरकार को हटाना है। क्योंकि मसला अब ये हो रहा है कि शिवपाल के जो करीबी हैं, शिवपाल को सीटें मिलेंगी 5-10, है ना, सीटें। अब शिवपाल मान लीजिए खुद गुन्नौर से चुनाव लड़ जाते हैं, शिवपाल के बेटे जसवंत नगर से चुनाव लड़ जाते हैं अंकुर, अब शिवपाल के रिश्तेदार हैं सिरसागंज की सीट से शारदा प्रताप शुक्ला हैं, लखनऊ में राजेंद्र यादव हैं, इतने सारे नेता हैं, भगवती सिंह का परिवार है, सबको तो एडजस्ट करना है ना, तो कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। दिक्कत तो अभी ये भी है ना, अब मान लीजिए लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट है, वहां से शिवपाल के करीबी शारदा प्रताप शुक्ला टिकट मांग रहे हैं और पिछला चुनाव लड़े थे धर्मेंद्र यादव के छोटे भाई अनुराग यादव। जहूराबाद की सीट है गाजीपुर की, यहाँ से शिवपाल की करीबी शादाब फातिमा तैयारी कर रही है और ये सीट सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के पास है, तो अभी तो पेज इस पर भी फंसेगा ना कई जगह। मैं आपको शिवपाल यादव की एक स्टोरी बताता बताइए और जो 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 फर्क पड़ा है देखिए बताइए, फिर क्लोज करेंगे सेशन को, समय से मामला था 2012-13 का, सरकार बनी थी उसी समय समाजवादी पार्टी की और शिवपाल यादव एक तरह से एकदम ताकतवर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके साथ था और मुझे लगता है मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो गए अखिलेश यादव के पास मिलने और कहा कि हमारी एक तकलीफ है तो आप उसे सुलझाइए। अखिलेश जी ने कहा ये जो मामला आपका है ना ये आप शिवपाल जी के पास जाइए, शिवपाल जी आपकी बात सुलझा देंगे। जब वो शिवपाल जी के पास जाते हैं तो शिवपाल उनको कहते थे आप अखिलेश जी के पास गए क्यों पहले, आपको ये नहीं मालूम कि लखनऊ में इस तरह के मामले आपको मेरे पास डायरेक्ट आना चाहिए था। देखिए शिवपाल उस समय एक अपने आप को एक पैरेलल अथॉरिटी की तरह मानते थे विद इन समाजवादी पार्टी, उनको मुझे लगता है आज ही इतने सालों के बाद एक तरह से पता चल रहा है कि ही इज नॉट द हेयर टू मुलायम सिंह यादव। वो एक तरह से जो कि मैं मुलायम सिंह यादव की विरासत मुझ में आनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मशक्कत की है, मैंने मेहनत की है, मैं हर साल उनके साथ रहा, अखिलेश यादव इज अ यंगस्टर, ये जो कई सालों तक उनके मन में था कि उस बंदे को कहा कि आप अखिलेश यादव के पास गए क्यों जबकि अखिलेश उस समय मुख्यमंत्री थे। अब मुझे लगता है 8-10 साल के बाद शिवपाल जी को भी पता चल गया है कि अब उस तरह से राजनीति वो नहीं कर सकते और उनकी एक तरह से लिमिटेशंस है और अखिलेश जी को भी पता चल गया है कि उनकी भी कुछ ऐसी जरूरतें हैं, मजबूरियां हैं कि आप बगैर अलायंस नहीं कर सकते। जो ईगो की बात की, देखिए पॉलिटिक्स में ईगो जो है ना आपको अलग रखना पड़ता है, जो समझदार नेता है वो ईगो के साथ आगे नहीं बढ़ता है और मुझे लगता है 10 साल बाद कहीं ना कहीं इस यादव क्लैन में अब के लिए कम से कम इस चुनाव के लिए उनको पता चल गया है कि आप ईगो के जरिए आप खास करके बीजेपी जैसे बड़े पॉलिटिकल मशीन को टक्कर नहीं दे सकते। तो एक बदलाव ये 10 साल में मुझे नजर आता है शिवपाल की राजनीति में और कुछ लेवल तक अखिलेश की राजनीति में भी। अखिलेश जी इसमें एक मैं कमेंट कर दूं? जी बस मैं ये कह दूं कि अखिलेश has now firm grip on समाजवादी पार्टी, अब उनको कोई चैलेंज नहीं। हिमांशु नहीं वो इनसिक्योरिटी, मेरा ये कहना छोटा सा एक इनसिक्योरिटी थी वो इनसिक्योरिटी अब कम हो गई। देखिए एक छोटी सी कमेंट कर रहा हूँ, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जो परिवारवाद में फंस के रह गई हैं, जहां सत्ता के लिए लड़ाई होती है, पार्टी कब्जे के लिए होती है, अगर ये इस बार समाजवादी पार्टी इस जो गांठ लगी है गांठ बंधेगी
अगर वो सही से हो गई और मर्जर भी हो गया तो उसके बाद जितने परिवार क्षेत्रीय दल बटे हैं परिवारवाद के नाम पे, हमने देखा होगा डीएमके, हमने देखा शिवसेना, हमने देखी जेजे इनेलो, समाजवादी पार्टी, आरजेडी में अभी झगड़ा चल रहा है, पशुपति एलजेपी के अंदर झगड़ा चल रहा है। तो ये तमाम जहां परिवार बढ़ता जाता है और पार्टियां छोटी होती चली जाती है, ये उसका एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है अगर शिवपाल और अखिलेश का मर्जर हो जाए। बिल्कुल, चलिए आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।